क्लास बोलिंग, क्या जबरदस्त बोलिंग की है, क्या जबरदस्त मुकाबला किया है, क्या जबरदस्त मुकाबला तो खैर किया ही नहीं है कोई। सातवां भी जीते, आठवां भी जीतेगा, नौवां भी जीतेगा, दसवां भी जीतेगा, फाइनल में फिर मुकाबला होगा पाकिस्तान से। घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि यार जो इंडिया के लिए एक मिथ थी कि इंडिया की बैटिंग बहुत तगड़ी, इंडिया की बॉलिंग ओके ओके, उस पर्चे को और उस वर्क को फाड़ के आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ने 7 games गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम इन तीनों बॉलर्स ने साबित किया है। कोई भी टीम इंडिया को हरा क्यों नहीं पा रही, कोई एक मैच तो हार जाते ना, हमें लगता चलो 7 खेले हैं, 1 हार गए हैं, ये तो एक तो वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के अंदर भी एक रिकॉर्ड बना रहा है इंडिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो ठाकुरों, बधाई हो भाई। जिस तरीके से आज हिंदुस्तान ने फंटा मारा है श्रीलंका को, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये पिछले 10 साल तक फिर कोई किसी भी टीम से जीत पाएंगे। मैटर है ना, जितने बेस्ट मैन उनके पास बॉलर है वो सबसे अच्छे बॉलर है, उनका जो विराट कोहली है, जो रोहित शर्मा है, उसके बाद शुभमन गिल, आज उसने 92 मारा है, विराट कोहली के 88 है, वो जब से क्रिकेट के अंदर आए वो आईसीसी के अंदर उसका 88 से 90 से कम होता ही नहीं है। सारे जीतेगा, सेमीफाइनल हार जाएगा या इंडिया अगला साउथ अफ्रीका, तो मैच नहीं हारेगा मैडम, एक भी नहीं हारेगा, कप लेके जाएगा। शुभमन गिल जो है उसने अपनी बीच पे ही 200 स्कोर मारा है और वो अपनी बीच पे सिर्फ मार सकता है। ये पाकिस्तान प्लेयर, वो शादी करने के बाद उनको इंजरी का मसला बन जाता है, उनकी टांगे नहीं सही हो पा रही होती, उनकी दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था, उसके खेलता बहुत अच्छा, भारत ने कीमा कर दिया सबका, कीमा मैं कह रही हूँ बुलडोजर चला दिया श्रीलंका पर, चलना चाहिए था यार बाकी पे, क्यों यार तैयारी करके आते हैं, इंडिया का मुकाबला करना है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में भारत ने लगातार 7वीं जीत अर्जित कर ली है। भारत के क्रिकेटरों ने श्रीलंका को लंका दहन कर दिया है। पहले बैटिंग में विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शानदार 357 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में भारत के तेज गेंदबाजों ने टिकने का मौका तक नहीं दिया और 55 रनों में ही ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया को अच्छा खेलता देख पाकिस्तानी मीडिया भी भारतीय खिलाड़ी को भी तारीफ करने पर मजबूर हो गई है। तो दोस्तों चलिए पहले वीडियो देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद में। क्लास बोलिंग, क्या जबरदस्त बोलिंग की है, क्या जबरदस्त मुकाबला किया है, क्या जबरदस्त मुकाबला तो खैर किया ही नहीं है कोई, मुकाबला किया हुआ इंडिया ने जो जबरदस्त बोलिंग की है, मतलब इतने सारे रन बोर्ड पे लगाने के बाद और जिस तरह जिस फायर पावर से टीम इंडिया ने बोलिंग स्टार्ट की है, फील्डिंग से डरा के रखा है बेचारे बोलर्स, बेचारे वाकई श्रीलंका के बैटर्स जो हैं वो बेचारे मुझे लग रहे थे, क्योंकि ऐसे पूरे जो वो कहते हैं ना कि वल्चर्स की तरह यूं आके सारे जो है ना वो फील्डर्स करीब होके खड़े हुए बैटर्स के साथ, और यस दे हैव रीडन व्हाट दे डिड इन द फाइनल ऑफ एशिया कप, एंड एक दफा फिर से श्रीलंका के साथ उसी तरह हुआ, 1-2 run, 5 run जो है ऊपर श्रीलंका बना सका, 50 पे आउट नहीं हुआ बट 55 पे हो गया। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट विन मार्जिन जो कि इंडिया ने हासिल की है और 302 रन से जीते हैं, 309 रन से ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेदरलैंड्स के खिलाफ जीती थी, बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और भाई इंडिया इज अनस्टॉपेबल। जी अली, अनस्टॉपेबल सवेरा, इंडिया इज अ फोर्स टू रेकन विद। Gone are the days, वो दिन चले गए जब आप कहते थे कि इंडिया की बैटिंग बचा लेगी, इंडिया को कोई भी स्कोर दे दो ये चेस कर लेंगे, विराट बचा लेगा, रोहित बचा लेगा, बैटिंग बचा लेगी। Gone are those days, अब वो आप जो इंडिया के लिए एक मिथ थी कि इंडिया की बैटिंग बहुत तगड़ी, इंडिया की बॉलिंग ओके ओके, उस पर्चे को और उस वर्क को फाड़ के आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ने 7 games गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम इन तीनों बॉलर्स ने साबित किया है, वी आर इंडीड द वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस सवेरा तीनों की तरफ से। मोहम्मद शमी की तो क्या ही बात करें, 3 games में 14 विकेट, 2 फाइफर, 1 चौका, मतलब कमाल कर दिया यार। आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स ऑन दिस डिस्प्ले ऑफ शेयर फास्ट बॉलिंग सवेरा, क्या मूवमेंट है, क्या डिलीवरियां शेप हो रही हैं, लिटरली जिसको कहते हैं ना अनप्लेएबल, दे वर टोटली अनप्लेएबल, कुछ समझ नहीं आ रहा था श्रीलंका को के कौन सी बॉल कहां पड़ी है, कहां जा रही है, कहां मूव हो रही है, कहां से घुस रही है, किधर को जाएगी, किधर से आएगी, मतलब यार इट वॉज अ पैराडाइज
बैटिंग पैराडाइज जहां टीम इंडिया ने एक तरफा कर दिया विकेट को, मैं वही बोलता हूं ना, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कह रहा हूं, पिच और नो पिच, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू एग्जीक्यूट योर स्किल। और टीम इंडिया बार 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 7 गेम्स के अंदर, सवेरा एक दफा फ्लूक होता है, 2 दफा फ्लूक होता है, 3 दफा फ्लूक होता है, 7 दफा फ्लूक नहीं होता। और बाकी टीमें मसले में, आपने बात की पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तमाम तर नजरें अब न्यूजीलैंड के मैच पे हैं। देखें, साउथ अफ्रीका ने जो फेवर आपको देनी थी, जो अच्छा आपके लिए करना था, जो दोस्ती निभानी थी, वो उन्होंने आपके लिए कर दिया। ना सिर्फ हराया बल्कि इतने बड़े मार्जिन से हराया कि न्यूजीलैंड का जो रन रेट है ऑब्वियसली शेक कर गया। अब पाकिस्तान कम अज़ कम थोड़ा सा अपने फैंस का, अपने मुल्क का, अपने चाहने वालों की इज्जत रखने के लिए कि अब भी अगर पाकिस्तान ना खड़ा हुए, और बड़े मार्जिन से तो मैं कहूँगा कि जीतना मुश्किल ही है इस कंडीशन में, लेकिन कम अज़ कम जीत यहाँ पे निकाले, अपने दोनों मैच जीते और ये पुटअप करे कि यार हमने तो अपना काम एटलीस्ट कर दिया। ऑब्वियसली सी जिसको हम कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के साथ नहीं था एंड में, लेकिन अभी तो कुदरत का निज़ाम भी साथ चल रहा है, साउथ अफ्रीका भी साथ दे रही है, तो अब तो कम अज़ कम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को चाहिए कि थोड़ा सा तो कोई गेम दिखा दें और पाकिस्तानी फैंस को खुश होने का मौका दें। बिल्कुल जनाब, देना भी चाहिए, आखिर इतनी उम्मीद हुई। लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है, क्या ही अच्छा होता और क्या ही अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। टाइम हैज चेंज्ड, जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी फास्ट बॉलिंग में, वो आप गंगोली के जमाने से लेके धोनी तक ले आए, और धोनी से लेके विराट कोहली से होते हुए रोहित शर्मा तक ले आए, ये इन्वेस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, और सिराज, शमी, बुमराह, और ना सिर्फ हिंदुस्तान बोर्ड आई थिंक, और आपकी मैनेजमेंट, आई थिंक इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया इन लड़कों पे और उनको आगे लेके आए। और फिर आपको तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, क्योंकि उसने इधर ही देखा वहां नहीं देखा, अय्यर को खिलाया उसने, उन्होंने कहा भाई जितनी मर्जी दफा फ्लॉप हो, टीम मैनेजमेंट को कप्तान ने कहा भाई मैंने ड्रॉप नहीं करना अय्यर को, ना ही मैंने सिराज को ड्रॉप करना है, मैंने खिलाना है। सो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि यार, I mean, he is probably the one of the best captain right now। श्रीलंका का मैच था, 7वां मैच इंडिया ने अपना लगातार श्रीलंका के खिलाफ जीत लिया है। क्या कहेंगे इंडिया की जीत पर, क्या कोई ऐसी टीम है वर्ल्ड कप में जो इंडिया को शिकस्त दे पाएगी? पहले तो इंडिया के लिए मुबारकबाद जो लगातार वो मैच जीत रही है, लेकिन अफसोस है अपने पाकिस्तान के लिए कि अच्छा, वो मैच नहीं जीती। और यही इंडिया को हारने वाली टीम, ये तो मुझे लग नहीं रहा कोई टीम ऐसी आएगी। कल वाला मैच आपको पता रेडी वो जीती हुई है, वो वर्ल्ड कप में जो भी टीम आएगी, मुझे तो पहली फिक्सिंग लग रहा है कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। क्यों आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप फिक्स हुआ हुआ है फॉर इंडिया? क्योंकि इंडिया के होम ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, और पहली प्लानिंग थी उनकी, और जिस तरह की हमें खबरें मिलती हैं एज अ प्लेयर, तो हम तो फिर अपने पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी को सपोर्ट करेंगे। जब हमारा पाकिस्तानी बाहर हो गया तो फिर जाहिर ही बात है इंडिया ही जीतेगा। मुझे ये बताएं कि हम हमेशा ये क्यों कहते हैं इंडिया की जीत पर कि ये मैच फिक्स है, आपको नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट टीम में इतनी काबिलियत है कि वो अच्छा खुद से परफॉर्म कर सके, उन्हें फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है? जी जी, आपकी बात से मैं एग्री हूँ, वो मतलब कि इतनी बेस्ट टीम भी है, हम उसको फिक्सिंग कह के भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें दुख है ना अपनी टीम के लिए, तो हमें ये लगता है। लेकिन तो ठीक है ना, अपनी टीम के लिए दुख हमारे सीनों में होना चाहिए। हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लगातार हम 4 मैचेस जो हैं हारे हैं, उसके बाद हम बांग्लादेश से अल्लाह अल्लाह करके एक मैच जीते हैं। लेकिन अगर इंडिया अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर जीत रही है, तो हमें फिर फिक्सिंग का लेबल लगा के इंडिया जैसी नंबर वन टीम को डिग्रेड नहीं करना चाहिए ना? जी बिल्कुल, लेकिन बेस्ट ऑफ लक जो भी टीम जाए, जाहिर बात है इंडिया भी जीतेगा, तो फिर भी वर्ल्ड कप ही है, अगर पाकिस्तान घर आ जाए तो फिर भी